गाड़ी आपको कहीं का बिल भी नहीं देते होंगे कई लोग तो। सर मसला वहाँ पे, हम तो सर्विस जो नेटवर्क है उसकी बेस पे दे रहे हैं, बाकी आगे बस वहाँ कंपिटेंट वो फाइबर पे सारा दे रहे हैं अपना लिंक। वहाँ पे कोई और दूसरी कंपनी कौन सी आई हुई है? सर वहाँ पे लोकल नेट 3-4 चल रहे हैं जो फाइबर पे दे रहे हैं। अच्छा ये देखें जी, हमने ये काम किया है, इन लोगों ने भी थोड़ा सा भी काम करके गए हैं, ये भाई भी ये देखें ये जॉइंट लगा के गए हैं एक, अभी हमने इसको अभी थोड़ा सा दोबारा बाहर निकाल रहा हूँ मैं, ये मैंने बाहर निकाल दी है और ये इधर को ले गए, ये इधर को ले आए हम, ये इसको उधर कर दिया। सबसे पहले आप जहन में रखें कि ये आपका काम नहीं है, ये काम किसका है? ये आपका काम नहीं है, ये जॉइंट क्लोजर है। ये क्या चीज़ है? जॉइंट क्लोजर। ये कहाँ लगता है? जब केबल का ड्रम ख़त्म हो जाए, जब आप एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो ये आपकी केबल जो है ना, ये ड्रम की ड्रम यूज़ होते हैं, कईयों के कई ड्रम यूज़ होते हैं थोक के हिसाब से। ये ड्रम कितने किलोमीटर का होता है? 2 किलोमीटर का। हर 2 किलोमीटर के बाद ये जॉइंट क्लोजर लगता है, एक केबल को दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। इस तरीके से जोड़ते 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 हम पिंडी पहुँच जाते हैं, कोरचा पहुँच जाते हैं, कराची पहुँच जाते हैं, फिर समंदर आ जाता है, समंदर के अंदर फिर जोड़ते हैं सब मेरीन के अंदर, जोड़ते 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 हैं दुबई और इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, पूरी दुनिया को इसके साथ केबल के साथ जोड़ा हुआ है। क्या समझे? 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं ये बनाते? 2 किलोमीटर लंबी, मैक्सिमम 2 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर ही। 2 किलोमीटर का ये ना, ये एक केबल का ड्रम होता है। इसी तरह जॉइंट लगाने पड़ते हैं। समंदर के अंदर भी सबमरीन केबल होती है, वो भी इसी तरीके से जो है ना, वो बड़े बड़े उनके साथ पत्थरों के साथ बांध के उसको बिल्कुल समंदर की तह में नीचे फेंक देते हैं, आधा किलोमीटर किलोमीटर नीचे चली जाती है। फिर जब उसको निकालने की आती है, कटिंग की बारी आती है, तो फिर जोड़ने की बारी आती है, मछलियाँ खा जाती हैं समुद्र से, वो जहाज़ों से टकरा कर टूट जाती हैं, तो फिर वो उसको उठा के ऊपर लेके आते हैं और बहुत बड़ा शिप बनाता है उसको, बड़ा के स्प्लाइस करके फिर जोड़ कर फिर बीच में नीचे आता है। ठीक है जी। मैं 3 साल दुबई रह कर आया हूँ, क्या समझे? वहाँ पर मुझे इन्होंने डेपुटेशन पर उधर भेज दिया था कि आप उधर जाके नौकरी करें, तो मैं वहाँ नौकरी करता रहा हूँ। ये हमने सबसे पहले इस जॉइंट क्लोजर से को जो ना, हमने ये ऑर्गेनाइजिंग ट्रे है, ये जॉइंट क्लोजर है, ये लूज ट्यूब है, ये फाइबर है, इस फाइबर के ऊपर जो कलर आ रहा है उसका नाम कोटिंग है, जैकेट है, और उसको कोटिंग भी बोलते हैं, जैकेट को भी जैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हमने आपस के अंदर ऐसे करके इसको जोड़ना है, ठीक है जी। इसको जोड़ने से पहले हमने यहाँ देखें स्लीव पड़ी हुई, स्लीव समझते हैं, हीट शिंग स्लीव, पैकेट एक पड़ा हुआ है, ये पैकेट पकड़ लें, इसके अंदर एक ये हीट शिंग स्लीव है, ये देखें। हमने सबसे पहले जो है वो इसके ऊपर जो है वो हीट शिंग स्लीव किसी एक फाइबर के ऊपर भी चढ़ा लेनी है। हमें गवर्नमेंट कह रही है, हमें ऑफिसर कह रहा है कि आपने ग्रीन को जो ना जी इधर येलो के साथ जोड़ दें या ऑरेंज के साथ जोड़ दें। ये ग्रीन क्या है जी? ये गुजरांवाला से हमारी आ रही थी और हमने गुजरांवाला से जो है इसको हमने लाहौर के साथ जोड़ देना है, ठीक है। हमने उधर से ग्रीन ले लिया, चलो इधर से भी ग्रीन ले लेते हैं। ये हमारा ऊपर के, इसके अंदर एक और भी है, अच्छा। तो इस ग्रीन को जो है ना, ये 2 स्टिपर हैं, ये भी स्टिपर है, ये स्टिपर आम आजकल यूज़ हो रहा है ऑफिस के अंदर उस फील्ड में। ये मेरे पास बहुत पुराने पड़े हैं मगर ये बड़े काम के हैं। इसका काम करने का प्रोसीजर क्या है कि ये देखेंगे, दोनों हिलते हैं, मूवेबल हैं, इनके दरमियान में एक होल है, इसके अंदर मैंने एंटर किया इसको, और इसको ये स्केल है, इस स्केल के साथ मैंने लगा के ऊपर से उतार दिया। अभी सही उतरी नहीं है मगर पकड़ेगा, वो अल्कोहल पकड़ेगा। चलो ये जो है ना वो, ये ऊपर की, इसके ऊपर की जैकेट जो है वो उतर गई सारी, इसके ऊपर की उतर गई है। अब ये प्योर फाइबर आ गया, ये प्योर आपके पास जो नज़र आ रही है ये क्लैडिंग है, इसके अंदर कोर है, क्लैडिंग को क्लैडिंग के साथ जोड़ेगी, कोर को कोर के साथ ये मशीन जोड़ेगी, ठीक है। इसको जो है ना जी, हमने क्या किया, सेव कर लिया इसके अंदर, इसका रख के ये देखें, ये उसके ऊपर 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 स्केल बने हुए हैं। मैंने इसकी जैकेट का रंग, ये जैकेट का रंग जो है, ओए जैकेट का रंग जो है वो मैंने इसका 12 पे 14 पे रख के मैंने इसके अंदर वो देखे, मैंने 16 पे रख लिया, ठीक है, 16 पे आ गया। इसको मैंने प्रेस करके आगे कर दिया और ये मैंने इसको सीधा करके, ये मैंने काटा है, ये मेरा नीचे गिर गया है, ये मैंने उठा लिया है, ये मेरी जो ना फ्यूजिकोरा की, फ्यूजिकोरा 62S ये मेरी जो है मशीन है, ये मेरा ऑन ऑफ का बटन है, इसको मैंने 1 सेकंड के लिए प्रेस किया है तो ये चल पड़ी है। इसके अंदर की सेटिंग को आपने बिल्कुल किसी किस्म की छेड़खानी नहीं करनी,
डोंट एनी पंगा, एक काम बिल्कुल नहीं चंगा, ठीक है। आप ऐसे करें, दो जन इधर आ जाओ यार, बाहर आ जाओ, दो मेरे क्रामून का आदमी बन जाओ। हाँ, ये सेटिंग करनी, सारा कुछ काम करना, ये आपके बस का काम नहीं है। ये काम जो ना गोरों का है काम है, ये उनका काम है जिनके पास वधु पैसा, वधु सोच फिक्र है। हाँ, ये बत्ती बलगल बालो भाई, वो पता नहीं बंद क्यों, वो मैंने इलेक्ट्रोड के करीब करके रख दिया। ये दो कॉमन पिन है, इलेक्ट्रोड है, क्या चीज़ है ये इलेक्ट्रोड है, ये दोनों होल्डर है हमारे, लेफ्ट राइट होल्डर है, ये मेन होल्डर फ्लैप है, ये हमने इसके अंदर रख लिया। अब इसकी इधर की साइड की बारी आ गई है, इसको इस ट्रिपर के साथ मैं जो ना इसके ऊपर की जैकेट उतारने लगा हूँ। ये देखें, ये मैंने थोड़ा थोड़ा लेता हूँ, ये आ गया, ये ठीक है जी, और ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको जो है ऊपर से अल्कोहल की मदद से, ये चिड़की आ रही है, इसका मतलब ये नीट एंड क्लीन हो गया। इसको फिर मैंने वहीं पे रखा है सर, जो फर्स्ट की कटिंग करनी है जैसे 16 पे रख के किया, दूसरी भी मैं सेम कर, हाँ बिल्कुल वैसे ही, अगर आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं। अच्छा। हमारे पास स्लीव बहुत बड़ी है, वो जो हमने स्लीव चढ़ाई हुई है वो फुल साइज की स्लीव है मेरे पास। इसके ऊपर मैंने रखे, इसको हल्का सा प्रेस किया तो ऊपर से ये कट गया है। 16 पे कर लें, 14 पे कर लें, 16 पे कर लें, 14 पे कर लें, यहाँ पे इसके बिल्कुल इलेक्ट्रोड के करीब मैंने वो देखा कॉल करके पास करके रख लिया। दोनों इलेक्ट्रोड के बिल्कुल करीब करीब आ गए ना जी, उसके ऊपर से मेन होल्डर फ्लैप को मैंने बंद किया है, सेट का बटन दबाया है, तो ये मशीन जो है वो खुद बहुत, ये देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दरमियान की वाइट कोर है, बाहर वाली साइडों वाली क्लैडिंग है, 4 to 6 का इसने इसको आर्क दे के इसको जोड़ दिया, 0.13 dB। कितना ऊँची मैक्सिमम, बोलो बोलो सर ने क्या बताया, मैक्सिमम लॉस 0.04, मैक्सिमम 0.04 होना चाहिए, 4 के बाद 5 आ जाए तो काट के फिर दोबारा लगाना है, मगर ये हमारा काम ख़राब है। मगर हमने आपको प्रोसीजर एक आपको मैंने आपको बता दिया, उसके बाद ये स्लीप पकड़ ली है, ये स्लीप पकड़ के करीब लेकर आके ना इसको फ़ौरन खोल के इसको जो ना आपने उठा लेना, क्योंकि ये हिलते हैं तो ये फिर उसको काट के तोड़ देंगे उसको। ये हमारा ओवन है, हीटर है हमारा, माइक्रोवेव ओवन, हीट श्रिंक ओवन, और ये हीट श्रिंक स्लीव, इसको मैं बिल्कुल दरमियान में लेके आऊँ, लाइट जल्दी देखें, इसके अंदर जो है वो अंदर आ गया, इसकी स्लीव आ गई है और रंग आ गया इसकी, और ये इसको बंद करके मैंने, ये खुद बहुत हीटिंग का बटन ऑन हो गया और ये चलना शुरू हो गया। 40 मिनट, अल्लाह अकबर, कंप्लीट अभी नहीं हुआ, ये हीटर का बटन जब ऑन ऑफ होगा वो इंडिकेट करेगा, हाँ अभी आपको बजर देगा ये। सर इस मीटर को क्या कहते हैं? ये मीटर नहीं है, फ्यूजीकोरा स्प्लाइसिंग मशीन, फ्यूजीकोरा स्प्लाइसिंग मशीन, फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन, ये देखिए आर्क स्प्लाइसिंग मशीन है, ये फ्यूजीकोरा की है, ये हमारा रेडी हो गई है देखिए। हाँ जी हाँ जी, 7 लाख रुपए की मशीन है, 7.5 लाख रुपए की, फ्यूजीकोरा जापान की है ना। हाँ जी हाँ जी, तो इसको कुछ टाइम रखना पड़ेगा कि यहाँ पे फौरन हो गया, बस ये देखे हाल लगाए ऐसे करके, अभी है थोड़ा सा देखो जी हाल लगाए। अच्छा अब ऐसे है कि हम चलते हैं नमाज के लिए, चले नमाज के लिए, यस सर, और नमाज पढ़ के आके ना फिर दोबारा अगला काम करेंगे। ये अल्लाह की तौफीक से है नमाज पढ़ना, समझाए कि नहीं, हमारे घर में कोई नहीं, सबसे पहली बात है यार डरे नहीं, घबराए नहीं, आपने घबराना नहीं, इसके जेन में रखे लॉसेज की वजह एक ही है कि आपकी चीज़ें साफ नहीं है, आपकी चीज़ें साफ नहीं है, आप नीट एंड क्लीन नहीं है, आपके टूल नीट एंड क्लीन नहीं है, आपका जो ना मशीन के अंदर इलेक्ट्रोड का मसला है, आपका इलेक्ट्रोड जो है वो ओरिजिनल जेनुइन नहीं है, और उसके अंदर भी जो ना वो फॉल्ट आया हुआ है, इस वजह से जो है वो आपको उनको ना कोई जो ना वो देता जा रहा है। उसके अलावा वो माइक्रोस्कोप सर जो होती है इसको फाइबर को देखने, वो किस चीज़, वो बाद में बात करेंगे, अभी इस टाइम जो है ना स्प्लाइस कर रहे हैं, हमारी स्प्लाइसिंग मशीन है। अब ये देखें इस तरफ जो ना, अब मैं इस तरफ की जो है वो ड्रेसिंग करके जो है वो मैं संभाल रहा हूँ कि मेरे फाइबर जो है जो मैंने जोड़े हैं वो टूटे नहीं, दबे नहीं, ख़राब नहीं हो, कहीं पे भी जो है ना जी हमारी सिस्टम के अंदर जो है वो, यानी इसमें प्रेशर ना आए, प्रेशर ना आए, किसी किस्म का भी कोई इसके अंदर फॉल्ट ना आए, ताकि ये जो हमारी चल रही है इस पर कम्युनिकेशन शुरू हो गई है वो हमारी चलती रहे। लो जी ये देखें जी, मैंने सारे के सारे इसके अंदर घुसा दिए हैं, ठीक है जी, जी ये तो हाँ बाहर है ना, ये ले जी, इसको भी हमने जो है वो इसके अंदर जो है वो निकाल लिया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर इसका टंकना रखना है,
वो टनकना जो ना जी सर, ये जो ये जो भी ये जो नहीं लगा इसको वो छोड़ दिया है कि वो हमारा गुजरावाले से जो ना जी, हमने इसके लिए स्पेयर छोड़ा हुआ गुजरावाले को, आप सियालकोट से हाफिजाबाद वाले गुजरावाले के लिए ना हमने छोड़ा हुआ इलाका जो ना, वहाँ पे जब दो चार डी एच ए बढ़ेगा जो जो हो गए तो फिर हम इसको जो ना जी लाहौर वालों के साथ फिर सप्लाई कर देंगे। हमने वहाँ पर फाइबर बिछा दी हुई है, हमने उधर फाइबर जो है वो बिछा दी है, ये फाइबर हमारी उधर से आके स्पेयर पड़ी हुई है। ये जो ये जो ये मेन होगी इस टाइम पे कौन सा, ये जो अभी आपने जिस इलाके के लिए छोड़ी है ये जो है, ये आगे जो जब उसे कनेक्ट करेंगे तो ये एज ए मेन कर कनेक्ट हो जाएगी, बस आपकी सीधा एक्सचेंज में जाएगी पहले। हाँ वो मेन में, हाँ मेन में चली जाएगी, आपकी सीधा एक्सचेंज में चली जाएगी। यहाँ वैसे करेंगे आपने अगर ये इसको अभी आप इसको ज़्यादा लंबे छोटे फंसे फटे में ना फंसे आप ज्वाइंटिंग इसको, आप इसको समझिए कि ये क्या हो रहा है, ये हमारा 2 किलोमीटर का ड्रम है, हमने इस केबल को दूसरे केबल ड्रम के साथ ड्रम के साथ ड्रम ड्रम के साथ ड्रम ड्रम के साथ ड्रम ड्रम जोड़ते 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 लाहौर से गुजरावाले तक केबल लेके आ गए, ठीक है। वहाँ से आपकी सीटीओ से चली थी सीटीओ से और यहाँ पे आके हमारी सीटीओ में जो है वो ज्वाइंट हो गई है, गुजरावाला हमारा सीटीओ को एक्सचेंज के साथ जीपीओ के साथ जो है वो जो चेंज है मेन में जुड़ गया, ठीक है। ये हमारा ज्वाइंट क्लोजर है, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग ट्रे है, ये हमारे जो है फाइबर की हमारी केबल है। इस केबल को अब लगाने के लिए यहाँ पे बिचुमन कंपाउंड, जैसे ये बिचुमन कंपाउंड है इसको पर बिचुमन कंपाउंड लगा के इसको हम यहाँ पर रख के ऐसे कर देंगे, इधर भी लगा देंगे मजबूती, यहाँ पे डेड प्लग, यहाँ पे डेड प्लग होगा, यहाँ पे डेड प्लग होगा, डेड प्लग यहाँ पे लगा देंगे। वो डेड प्लग भी जो है वो पता नहीं कहाँ है, छोड़े हम नहीं बताता हूँ, वो डेड प्लग भी यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ये जो ना एक ग्रूव बना हुआ है, इसके अंदर भी जो ना ये बिचुमन की एक बेल्ट आ जाएगी, इसके अंदर वो बेल्ट इसके अंदर जो ना लग के इसके ऊपर इसका ये वाला ढक्कन हम इसके ऊपर ऐसे रख के और इसको टाइम उसके साथ जो ना वो बोल्ट के साथ जो ना उसको टाइप करके ना उसको शोर से टाइट करके उसको समंदर में रेत में मिट्टी में दफना देंगे, दफन कर देंगे, फेंक देंगे। ये हमने 2 क्लैंप इसलिए टाइट करके लगाते हैं कि इसको यहाँ पे बिचुमन जोर से लगाते हैं कि ये जब मिट्टी में फंसा होगा तो इसको जब बाहर निकालें ना हमने, तो फिर जितना ये टाइट अच्छी तरीके से मजबूती से बंधा होगा जब केबल हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम इसको बाहर खींचना चाहेंगे तो ये भी साथ ही आएगा। और अगर खुदा ना ये ढीला होगा तो क्या होगा कि हम इसी को खींचे आएंगे, ये अंदर से सारी चीज़ें तोड़ते फोड़ते हुए सारा कुछ बाहर और आपको भी दफ्तर से बाहर और आप घर में बैठे होंगे। ये आपने बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी इसमें, ये बहुत सा ज़रूरत है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एहतियात की ज़रूरत है। इसको जो ना कोशिश करते हैं कि हाथ में पकड़ने की, इसको निकालने की कोशिश करते हैं कभी जहाँ कहीं फंसा हो, ठीक है। ये हमारा क्या है ज्वाइंट, आपको एक प्रोसीजर ये समझाया है कि इसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजिंग करनी है, ये ऑर्गेनाइजिंग ट्रे है, इसके अंदर हमने पहले इसकी ऑर्गेनाइजिंग करनी है, ड्रेसिंग करनी है। जैसे ये देखें बाहर आया है ना, ये फाइबर को जो ना ये नहीं चलने देगा, इसको इसके अंदर करना है सर। नीचे यहाँ पे टेप लगा देनी, नीचे कितने बाल होने चाहिए, नीचे जो 2 राउंड छोड़ने हैं इसके अंदर 1.5 राउंड छोड़ना आपने, ठीक है। नीचे 2 ही बहुत है, नीचे 2 और ऊपर 1.5। अगर खुदा ना हादसा यहाँ से कोई केबल जो ना वो जैसे ऊपर आई हुई थी ना यहाँ पर और यहाँ से टक्कर के इसके ऊपर जो ना हमने ट्रे रखा और ये कट गई, तो फिर हम दोबारा जो ना इसको निकालने के लिए इसको ग्रीन को निकालेंगे, 2 हम जो नीचे छोड़े हुए थे वहाँ से निकाल के वो इस ग्रीन को फिर सीधे इधर लगा देंगे और बाकी छील के जो ना फिर इसके साथ सप्लाई कर देंगे, तो हमें पूरी केबल छीलनी नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब काम खराब होगा फिर हम उनसे टाइम लेंगे कि सर केबल डैमेज ज़्यादा खतरनाक हो गई है, हमें टाइम दे, कहेंगे ठीक रात 12 बजे आपको छुट्टी मिलेगी या आधे घंटे की बात, सिर्फ वो आधे घंटे के अंदर अंदर ही आपने ना इसको पहले कटिंग करके रख लेनी है, यहाँ से वो निशान वो राउंड से वो कटर वो लगा लेना है, गैरेट से निशान लगा लेना है और इधर की भी जो ना वो सारी जल्दी जल्दी से छीन छोड़ के आधे घंटे के अंदर अंदर आपका काम करके, तो 2-4 करोड़ रुपये का नुकसान होगा ना, कोई बात नहीं, नुकसान बर्दाश्त कर लेती है गवर्नमेंट, ठीक है जी। अब आप इस हो चुके उसको वही दीवार के साथ लगा दें।